मधुबनी में अवैध शराब कारोबार में संलिप्त दो दो कारोबारी चढ़े पुलिस के हत्थे। रहिका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर की बड़ी कार्यवाही। एक धंधेबाज रंगे हाथों शराब के साथ धराया, दूसरा पूर्व के शराब में चल रहा था फरार। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटी रहिका थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार मामले में फरार चल रहे कारोबारी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रहिका थाना में शराब बरामदगी मामले में 4 माह पूर्व में देसी नेपाली शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जबकि उक्त कांड में एक जब्त स्कूटी के मालिक अभी तक फरार चल रहा था। रहिका थाना अध्यक्ष ने बताया कि यह गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस की छापेमारी में शराब कांड में फरार स्कूटी मालिक चंदन कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य एक और शराब कारोबारी को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 17.5 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। धराए कारोबारी के पास से एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी पुलिस द्वारा जब्त की गई है। धराए कारोबारी की पहचान कालुआही थाना क्षेत्र के बेलाही डंगा गांव के रामाशीष मुखिया के रूप में हुई है, जबकि एक अन्य कारोबारी पुलिस की कार्यवाही के दौरान भागने में सफल रहा। गिरफ्तार दोनों शराब कारोबारियों को न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। रहिका से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।